हर्षवर्धन जी, और डॉक्टर संजय कुमार चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय चड्ढा जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय चड्ढा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और थोड़ी सी अदालती कार्रवाई समझना चाहें, यूएपीए कानून के विषय में तो आप हमको जानकारी दें ही कि किस तरह से इस पर कैसे इसमें कार्रवाई होती है, किन 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 मामलों में, और साथ ही साथ अब जब चार्जशीट फाइल हो गई है, कैसे बढ़ेगा ये मामला आगे? दो तीन चीजें जी पहले तो चार्जशीट जो है वो अभी और भी फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी और भी फाइल होने का अंदेशा है जी हमको। जी 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 ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि और भी चार्जशीट इस मामले में भी फाइल होगी। जी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री। देखिए ये एक ऐसा मामला था जहां पे जो ये अभियुक्त गण हैं इन लोगों को एक एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। इनका एजेंडा था कि चाइना का जो प्रचार प्रसार करना हमारे देश में, और जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ था, भारत के खिलाफ, भारत के अंदर एजेंडा चलाने का इनको पैसा मिलता था। ये एक क्रक्स ऑफ द केस है। इस केस का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जब ये शिकायत के बाद एफआईआर हुई और ईडी ने जब अपना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने ये पाया कि ये विस्तार से ये तमाम चीजें हो रही थी, किस प्रकार से मनी ट्रेल सारा मिला, पैसा आया, आपने अपने शुरुआती उद्घोषण में बताया कि कितना रुपया कहां से आया और कैसे कैसे आया, वो तमाम चीजें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मिली। और सोने पे सुहागा हुआ जब अमित चक्रवर्ती नामक जो एचआर हेड था इस कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स हेड मतलब कि जो थे वो अप्रूवर बन गए। उन्होंने अपने जो उसको स्वीकार किया कि ये कमियां हैं, ये क्राइम हम लोगों ने किया है, और उससे एक बड़ी मजबूती के साथ सारा चीज जो है खुलासे के साथ सामने आई। तो वो एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसमें अमित चक्रवर्ती जो है वो अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए। अब आपने देखा कि चार्जशीट में विस्तार पूर्वक तमाम चीजें आई, कितनी सारी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और ये जो इसमें इस्तेमाल हुए तकरीबन 500 के करीब, आप स्तब्ध रह जाएंगे, उनका भी अवलोकन किया गया। तो एक कोई छोटा चीज नहीं, बहुत बड़े स्तर पे भारत के खिलाफ भारत में बैठ के एक साजिश की जा रही थी, इसीलिए ये इतना सख्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए, भारत की संरक्षता के लिए और हमारी एकता अखंडता और आगे विकास के लिए। जी 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 संजय चड्ढा जी, दो चीज समझना चाहेंगे। एक तो ये यूएपीए के तहत जो मामला इसमें किया गया, किस तरह से कानून चलता है, और दूसरी चीज ये भी समझना चाहेंगे ये फंडिंग किस तरह से विदेशों से ले सकते हैं। कोई कानून जरूर है, जब हम एफआरसीए की बात करते हैं तो उसमें उसके तहत भी नियम होते हैं, तो जब तक नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता मामले इस तरह से दर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं एक बात हर्ष भाई की उठा के वहीं से बोलना चाहूंगा, देखिए सरकारों का विरोध करना, जैसा उन्होंने खुद बताया, पत्रकार का तो ये धर्म है, लेकिन सरकार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर किया जाए वो एक बहुत अहम चीज है, लेकिन वो धर्म का अगर ये अधर्म हो जाएगा कि आप सरकार के चलते और देश के क्रिटिसिज्म करने चाहिए, देश सर्वोपरि है, पहली चीज एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जितना करना करिए जी। अब जहां तक बात है यूएपीए की, यूएपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, जैसे कि इस केस में हमने देखा, जो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई भी चीज है, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही एक सख्त लॉ है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब आपने बताया कि कैसे बाहर से पैसा आता है, और वो तो एक नियमावली है, फेरा फेमा, हमने लॉ देखे हुए कितने कठोर लॉ है, और कोई भी एक डॉलर का भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इलीगल और फौरन पकड़ा जाएगा, तो वो आरबीआई के माध्यम से ही आएगा। देखिए यहां पे क्या होता है, वो प्रॉपर चैनल से आ रहा था, लेकिन उसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो नहीं दिख रहा था। दैट इज द रीजन ये जो केस है वो अभी इसकी जो चार्जशीट फाइल हुई है वो यूएपीए के तमाम 13, 15, 14 और तमाम सारे सेक्शंस के तहत हुई है, ना कि
कोई वॉयलेशन उन्होंने पैसे को लाने में किया है, वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो मुझे नॉलेज है उस पे नहीं चार्जशीट फाइल हुई है। ये चार्जशीट सिर्फ इसलिए हुई है कि ये फंड्स वहां से लिए और उस फंड का मिसयूज किया भारत की जमीन के खिलाफ, ये है। जी 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 हर्षवर्धन, सवाल मैं चड्ढा जी से लेना चाहूंगा कि चड्ढा जी, ये जब कहा कि ये अदालत में आरोप साबित होना होगा, पुलिस के लिए इसको साबित करना कितनी बड़ी चुनौती, आगे ये केस अब चार्जशीट फाइल हो गई है तो कैसे चलेगा? और क्योंकि कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का आ रहा था कि ये सब कुछ फ्रॉड है, अदालत में टिक नहीं पाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये मैंने वो जो इतने डॉक्यूमेंट्स जैसा जिसका वर्णन आपकी रिपोर्ट में भी था कि ढेरों ढेर डॉक्यूमेंट हैं और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रूफ्स हैं वो अगर नहीं होते तो चार्जशीट कैसे बनती? पहली चीज प्रूफ है और जो ये बात निश्चित है वैसे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस टाइप ऑफ केसेस कि किस प्रकार से, तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होगा प्रोसिक्यूशन के लिए, नंबर वन। नंबर टू, अब इसके बाद होगा क्या वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अब अगर कोई एक और एडिशनल चार्जशीट आनी है तो वो आएगी, उसके बाद उसकी कॉपीज सप्लाईज की जाएंगी एक्यूज पर्संस को और एक्यूज पर्संस को ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोट करेगी वहां पे कि ये आपके खिलाफ गुनाह बनते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। तो अगर कोई बहुत ही प्राइमा फेसी चीज, एकदम ऑन द फेस ऑफ इट कोई चीज आती है, वो दर्शा के ही चार्ज को ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद जो चार्ज कोर्ट फ्रेम करेगी उस चार्ज को लेके ट्रायल होगा, उस ट्रायल में पहले जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने सारे विटनेसेस पेश करेगी और अपने केस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी, तदुपरांत ही जो एक्यूज पर्सन है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी को विटनेस बुलाना चाहते हैं तो वो लोग बुलाएंगे और उसके बाद उन विटनेसेस का जो भी एक जो उनके द्वारा कही गई चीजें होंगी और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कोर्ट के आगे, उसके आधार पे कोर्ट निर्णय देगी कि क्या जो अभियुक्त हैं ये इस चीज के लिए लायबल हैं और इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि नहीं। जी 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 जी, एक एक आखिरी कमेंट। क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी पहली चार्जशीट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस के निशाने पर आए न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। स्पेशल सेल ने आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर के समक्ष दायर किया। आरोप पत्र जिसे कई हजार पन्नों का बताया जा रहा है और सहायक दस्तावेज बक्सों में भरकर अदालत लाए गए थे। प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ मामले के मुख्य आरोपी हैं, जबकि अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनाया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मामले में बहस की शुरुआत होगी। अदालत ने इस मामले में 16 अप्रैल को अगली तारीख तय की है। चार्जशीट में न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीन के समर्थन में प्रचार करने व देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए कथित तौर पर चीनी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ था। चार्जशीट में जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी दी गई है। पुलिस ने कई छापों में करीब 480 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की थी। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि इन्हें विदेश से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। FIR में कहा गया है कि अमेरिका के करोड़पति नवल राय सिंघम लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि 3 साल के अंदर 38.05 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड का ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इसमें FDI के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए
और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया था। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे मामले पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती। न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती, ये आज का हमारा विशेष है। न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती, अदालत की कार्रवाई हुई है और अपनी चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। तो न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती, ये आज का हमारा विशेष है। और अब अपने विशेष मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। और डॉक्टर संजय कुमार चड्ढा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय चड्ढा जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय चड्ढा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और थोड़ी सी अदालती कार्रवाई समझना चाहें, यूएपीए कानून के विषय में तो आप हमको जानकारी दें ही कि किस तरह से इस पर कैसे इसमें कार्रवाई होती है, किन 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 मामलों में, और साथ ही साथ अब जब चार्जशीट फाइल हो गई है, कैसे बढ़ेगा ये मामला आगे? दो तीन चीजें जी। पहले तो चार्जशीट जो है वो अभी और भी फाइल, सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी और भी फाइल होने का अंदेशा है। जी 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 जी, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि और भी चार्जशीट इस मामले में भी फाइल होगी। जी, सप्लीमेंट्री जी, सप्लीमेंट्री। देखिए, ये एक ऐसा मामला था जहां पे जो ये अभियुक्त गण हैं, इन लोगों को एक एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। इनका एजेंडा था कि चाइना का जो प्रचार प्रसार करना हमारे देश में, और जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ था, भारत के खिलाफ, भारत के अंदर एजेंडा चलाने का इनको पैसा मिलता था। ये एक क्रक्स ऑफ द केस है। इस केस का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जब ये शिकायत के बाद एफआईआर हुई और ईडी ने जब अपना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने ये पाया कि ये विस्तार से ये तमाम चीजें हो रही थी, किस प्रकार से मनी ट्रेल सारा मिला, पैसा आया। आपने अपने शुरुआती उद्घोषण में बताया कि कितना रुपया कहां से आया और कैसे कैसे आया, वो तमाम चीजें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मिली। और सोने पे सुहागा हुआ जब अमित चक्रवर्ती नामक जो एचआर हेड था इस कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स हेड मतलब कि जो थे, वो अप्रूवर बन गए। उन्होंने अपने जो उसको स्वीकार किया कि ये कमियां हैं, ये क्राइम हम लोगों ने किया है, और उससे एक बड़ी मजबूती के साथ सारा चीज जो है खुलासे के साथ सामने आई। तो वो एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसमें अमित चक्रवर्ती जो है वो अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए। अब आपने देखा कि चार्जशीट में विस्तार पूर्वक तमाम चीजें आई, कितनी सारी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और ये जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तकरीबन 500 के करीब, आप स्तब्ध रह जाएंगे, उनका भी अवलोकन किया गया। तो एक कोई छोटा चीज नहीं, बहुत बड़े स्तर पे भारत के खिलाफ, भारत में बैठ के एक साजिश की जा रही थी। इसीलिए ये इतना सख्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है भारत की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के लिए, भारत की संरक्षता के लिए और हमारी एकता अखंडता और आगे विकास के लिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर हर्षवर्धन जी, जब हम चीनी प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, किस तरह से इसको एक एक सिस्टम बना करके, एक पूरा कॉकस बना करके देश में इसको चलाए जाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे इस पर लगाम लगाना कितना जरूरी, क्योंकि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था, आपको याद होगा कि जब ये मामला आया तो कितना सियासी वाद विवाद हुआ, कहा गया कि पत्रकारों का गला घोटा जा रहा है, फोर्थ स्टेट का गला घोटा जा रहा है, इस तरह की जो तमाम बातें सामने आई और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। देखिए, पत्रकारिता करते हुए देश के विरोध में, आप सरकार के विरोध से देश के विरोध तक खबरें लिखते हुए चले जाते हैं, इसकी बड़ी बारीक सी लाइन होती है।
सरकार का विरोध करना ये पत्रकारों का धर्म है, कर्म है, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो, और उसमें जरा सा भी किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। न्यूज क्लिक का जो मामला है, इसको अगर हम थोड़ा और पीछे से जाकर देखें तो भारत में क्योंकि पहले ढेर सारे ऐसे चीनी ऐप्स थे, चीनी वेबसाइट थी और बाकायदा एक न्यूज एजेंसी भी काम करती थी, यूसी वेब ब्राउजर था, यूसी न्यूज था, ऐसी ढेर सारी जो चीनी संस्थाएं थी वो काम करती थी, उससे जुड़े हुए भारतीय पत्रकार भी काम करते थे और बाकायदा इस पर टीवी चैनलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी कि कैसे वहां लिखने पर जो भारत विरोधी मटेरियल है वो तो आगे पुश होता था। अगर आप भारत के पक्ष में कुछ लिख रहे हैं या फिर चीन के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं, विशेष करके सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों में, विशेष करके भारत सरकार का कोई एक्शन है उसको लेकर, तो बाकायदा उसके लिए कीवर्ड थे, सर्च कीवर्ड थे, जिसकी वजह से उनको ब्लॉक किया जाता था। जब भारत सरकार ने गलवान के बाद ऐसे सारे चीनी एप्स, वेबसाइट वो सब ब्लॉक कर दिए, तो शायद उनके पास बहुत रास्ते नहीं थे। ऐसे में उनके पास इस तरह की कोई वेबसाइट हो जो सरकार के विरोध में खड़ी दिखती हो और वो वहां तक जाकर काम कर सके जो शायद भारत के विरोध तक चला गया था। इसमें ढेर सारे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया और ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से है कि कोई अमेरिकी उद्योगपति जो चीनी मूल का है या चीन से जुड़ा हुआ है वो पैसे लगाता है और उसके पैसे से यहां पर एक वेबसाइट चलती है, कुछ पत्रकारों का समूह उसमें शामिल होता है। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसमें चार्जशीट दाखिल की है, बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, उसमें से निकलकर चीजें आएंगी तो समझ में आएगा कि वो फंडिंग किन किन लोगों तक गई, वो पैसे किस तरह से दिए जाते थे, और जो सबसे जरूरी है जानना कौन कौन सी खबर, किस तरह की खबर, क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों में कई बार इस तरह की खबर प्ले की गई और उसमें कई बार हमारे नेता भी बोलते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, हमारे सैनिक तो पिट रहे हैं, उसको कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसका उपयोग कैसे दुनिया के अलग अलग मंचों पर किया जाता है, वो सब भी सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब विश्व मंचों पर भारत की भूमिका बेहतर हो रही है तो विदेशी साजिश से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक मामला है, मुझे लगता है कि ऐसे और ढेर सारे मामले होंगे जिनको खोजा जाना चाहिए, जिनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी विदेशी दखल भारत में देने की कोशिश हुई है अलग अलग तरीकों से, वो ये दिखाता है कि सिर्फ इतना भर मसला ये नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ये एक बल्कि इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये जब इस तरह के मामले आते हैं हम देखते हैं कि सियासी दल इसके पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, कई बार मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझकर या अनजाने में, ये भी कितना घातक है। नहीं, मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, और क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए, और ये मैं बार बार कहता हूं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप कोई भी लड़ाई कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लड़िए, सत्ताधारी पार्टी से लड़िए, जब भी जो पार्टी सत्ता में है विपक्ष का काम ही यही है, लेकिन अगर विदेशी कोई हस्तक्षेप हो तब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी कहें, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जी अमेरिकी दूतावास की तरफ से, अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आ गई, और जब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने उस पर टिप्पणी की, उसके बाद भी देश के राजनीतिक दल सरकार के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनकी लड़ाई सरकार से है, उनको लगता है कि चुनाव का वक्त है, ऐसे समय में हम क्यों ये बोले। लेकिन ये अच्छा उदाहरण नहीं होगा, ये बैड प्रेसिडेंट है कि आप देश के मामलों में विदेशी जो हस्तक्षेप है उसके साथ खड़े नजर आते हैं, आप विदेशी भूमि पर जाकर ऐसी बात कराते हैं जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है, और जब न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट में चीनी फंडिंग का मसला हो, उसमें अमेरिकी उद्योगपति का मसला हो, और इस तरह से नेताओं का व्यवहार हो, तो बड़ी बारीक लाइन हो जाती है, और कई बार तो आमतौर पर यह साबित करना भी मुश्किल होता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, देश के खिलाफ खड़ा है या फिर वो सामान्य आलोचना कर रहा था। जी संजय चड्ढा जी, दो चीज समझना चाहेंगे, एक तो ये यूएपीए के तहत जो मामला इसमें किया गया, किस तरह से ये कानून चलता है, और दूसरी चीज ये भी समझना चाहेंगे ये फंडिंग किस तरह से विदेशों से ले सकते हैं, कोई कानून जरूर है, जब हम एफआरसीए की बात करते हैं तो उसमें उसके तहत भी नियम होते हैं, तो जब तक नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता मामले इस तरह से दर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं एक बात हर्ष भाई की उठा के वहीं से बोलना चाहूंगा, देखिए सरकारों का विरोध करना जैसा उन्होंने खुद बताया पत्रकार का तो ये धर्म है, लेकिन सरकार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर किया जाए वो एक बहुत अहम चीज है, लेकिन वो धर्म का अगर ये अधर्म हो जाएगा कि आप सरकार के चलते और देश के क्रिटिसिज्म करने चाहिए, देश सर्वोपरि है, पहली चीज एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जितना करना करिए। अब जहां तक बात है
यूएपीए की। यूएपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, जैसे कि इस केस में हमने देखा, जो हमारी नेशनल सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई भी चीज है, तो उसको उसको रोकने के लिए ये बहुत ही एक सख्त लॉ है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब आपने बताया कि कैसे बाहर से पैसा आता है, और वो तो एक नियमावली है, फेरा फेमा, हमने लॉ देखे हुए कितने कठोर लॉ है, और कोई भी एक डॉलर का भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इलीगल, और फौरन पकड़ा जाएगा, तो वो आरबीआई के माध्यम से ही आएगा। देखिए यहां पे क्या होता है, वो प्रॉपर चैनल से आ रहा था, लेकिन उसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो नहीं दिख रहा था। दैट इज द रीजन ये जो केस है वो अभी इसकी जो चार्जशीट फाइल हुई है वो यूएपीए के तमाम 13, 15, 14 और तमाम सारे सेक्शंस के तहत हुई है, ना कि कोई वॉयलेशन उन्होंने पैसे को लाने में किया है। वो उस पर्टिकुलर आस्पेक्ट पे जो मुझे नॉलेज है उस पे नहीं चार्जशीट फाइल हुई है। ये चार्जशीट सिर्फ इसलिए हुई है कि ये फंड्स वहां से लिए और उस फंड का मिसयूज किया भारत की जमीन के खिलाफ, ये है। जी 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 हर्षवर्धन जी, एक चीज समझना चाहेंगे कि जैसे बतौर पत्रकार मैं और आप जब इस चीज को कहें कि जब हम किसी तरह के पत्रकारिता पर अंकुश लगाने की बात करते हैं या उसको रोकने की ढांकने की बात करते हैं, तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारा सेल्फ रेगुलेशन तो है, लेकिन जब स्थितियां इस तरह से आ जाएं कि पत्रकार देश के खिलाफ लिखने लगे, हालांकि अभी तमाम सारे आरोप हैं और इन आरोपों को सिद्ध होना बाकी है, उसके बावजूद कुछ नियमावली, कुछ नियम कायदे कानून पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर लिखने लिखाने के लिए दिखाने के लिए होने चाहिए? देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि जब हम विदेशी फंडिंग की बात करते हैं तो मीडिया में फॉरेन फंडिंग कैसे होगी उसका एक सीधा सा रूट है, बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। जब इस तरह से जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा एक अपारदर्शी जैसा सिस्टम दिखता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन उसके पीछे हैं, कोई उसके पीछे जो कंपनियां हैं उनका कोई पता नहीं है कि उसके डायरेक्टरशिप किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर कोई इस तरह की वेबसाइट पर जिसका पूरी आप न्यूज क्लिक का पूरा चरित्र आप देख लेंगे तो उसमें खोज कर पहले तो जो पहले सरकार विरोधी मान लीजिए लेकिन जो देश विरोध तक चले जाते थे उनको लोगों को उसमें शामिल किया गया। बाकायदा उस वेबसाइट का चरित्र आप देखेंगे तो कई बार वो जैसे वो एजेंडा ही इस तरह से चला रहा हो कि भारत को कमजोर करना है। अब उसके पीछे किसका मोटिव है, वहां जाकर पत्रकारिता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की आलोचना तो यहां तक होती है कि जाने कितने पत्रकारों ने तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए उनकी मृत्यु तक की कामना कर डाली, आज तक उनके लिए कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की, ठीक है सोशल मीडिया पर बातचीत हो गई, लेकिन जब आप उसको देश को कमजोर करने के तौर पर देखते हैं, भारत सरकार की किसी ने नीति को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि सेना का मनोबल टूटता है, तब ये सवाल खड़ा होता है कि आप पत्रकारिता कर भी रहे हैं क्या। और यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर कोई पत्रकार सचमुच पत्रकारिता भी कर रहा हो, उसको लग रहा है कि आपको सरकार की आलोचना करनी है, लेकिन वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो विदेशी फंडिंग लेकर उसकी इस भावना का दुरुपयोग कर रही है, तो वहां भी सवाल खड़ा होता है। पर वहां पत्रकारों को भी एक जगह जाकर सोचना चाहिए, और जैसे यूसी वेब और यूसी न्यूज के मामले में तो मैं खुद जानता हूं कि उनका पूरा एजेंडा था, वो भारत में आने के पीछे उनका एजेंडा ही था, और लंबे समय तक पत्रकारों को 50,000 से 1,00,000 रुपए वो राइटअप लिखने के लिए देते थे, और उसमें वो उसी राइटअप को आगे बढ़ाते थे जिन राइटअप्स में भारत को एक तरह से कहें कि बैड लाइट में दिखाया जाता था, गलत तरीके से दिखाया जाता था, और वो आर्टिकल के बेस पे पेमेंट करते थे, तो लगता था कि वो तो लेख के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उन्हीं आर्टिकल को उन्हीं लेखों को बढ़ाते थे जो भारत विरोधी होते थे। पत्रकार के तौर पर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कहां सरकार विरोध तक हैं, कहां आप देश विरोध तक चले गए, और अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो कम से कम पत्रकारिता जैसी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। न्यूज क्लिक के मामले में साफ साफ दिख रहा है जो गंभीर आरोप है, जाहिर है उसको अभी साबित होना होगा, अदालत में हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में जो दिख रहा है वो फंडिंग बाहर से आई, उस फंडिंग का उपयोग भारत को कमजोर करने के लिए किया गया, ऐसा दिख रहा है, जो बेहद गंभीर मसला है। जी जी, एक एक सवाल मैं चड्ढा जी से लेना चाहूंगा कि चड्ढा जी, ये जब कहा कि ये अदालत में आरोप
साबित होना होगा। पुलिस के लिए इसको साबित करना कितनी बड़ी चुनौती, आगे ये केस अब चार्जशीट फाइल हो गई है तो कैसे चलेगा? और क्योंकि कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का आ रहा था कि ये सब कुछ फ्रॉड है, अदालत में टिक नहीं पाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये मैंने वो जो इतने डॉक्यूमेंट्स जैसा जिसका वर्णन आपकी रिपोर्ट में भी था कि ढेरों ढेर डॉक्यूमेंट हैं और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रूफ्स हैं वो अगर नहीं होते तो चार्जशीट कैसे बनती? पहली चीज प्रूफ है और जो ये बात निश्चित है वैसे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस टाइप ऑफ केसेस कि किस प्रकार से, तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होगा प्रोसिक्यूशन के लिए, नंबर वन। नंबर टू, अब इसके बाद होगा क्या वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अब अगर कोई एक और एडिशनल चार्जशीट आनी है तो वो आएगी, उसके बाद उसकी कॉपी सप्लाईज की जाएंगी एक्यूज पर्संस को, और एक्यूज पर्संस को ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट करेगी वहां पे कि ये आपके खिलाफ गुनाह बनते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। तो अगर कोई बहुत ही प्राइमा फेसी चीज, एकदम ऑन द फेस ऑफ इट कोई चीज आती है, वो दर्शा के ही चार्ज को ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद जो चार्ज कोर्ट फ्रेम करेगी उस चार्ज को लेके ट्रायल होगा, उस ट्रायल में पहले जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने सारे विटनेसेस पेश करेगी और अपने केस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी, तदुपरांत ही जो एक्यूज पर्सन है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी को विटनेस बुलाना चाहते हैं तो वो लोग बुलाएंगे, और उसके बाद उन विटनेसेस का जो भी एक जो उनके द्वारा कही गई चीजें होंगी और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कोर्ट के आगे, उसके आधार पे कोर्ट निर्णय देगी कि क्या जो अभियुक्त हैं ये इस चीज के लिए लायबल हैं और इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि नहीं। जी 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 जी, एक एक आखिरी कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश की जनता तो निश्चित तौर पर इस केस को देखना चाहेगी कि इसका परिणति किस तरह से होगी, तमाम राजनेता भी इस पर आंखें लगाए होंगे कि इसकी परिणति क्या होगी इस केस की, क्योंकि चीनी एजेंडे का प्रसार देश में किए जाने की बात हो रही है, इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है ये जांच एजेंसियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे मामले अगर अंतिम जिसको कहते हैं ना कि न्याय तक नहीं पहुंचेंगे या उस मामले में कोई छूट जाएगा तो फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तब ये सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे, क्या पत्रकारों के खिलाफ कोई विंडेटा पॉलिटिक्स की गई, जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, और ऐसे में ये जिम्मेदारी उन एजेंसियों की बनती है जिन एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की, जो पुलिस की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, कि वो इस मामले को जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर परिणति तक पहुंचाएं। जी जी, निश्चित तौर पर तो सभी की निगाहें इस पर होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का और संजय कुमार चड्ढा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इसके बाद हम 24 की चुनौती की बात करें, बताएं आपको कि किस तरह से चुनावों का जो रण है वो चल रहा है और किस तरह से जो सियासी तपिश है वो रोज़ बढ़ रही है उसकी बात करें, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।